हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वायर में। और जो पर्यावरण के लेक्चर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, आज उसका 25वां पाठ है। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पौधे और जीव जंतु के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। आज जो है अपना 30 की जगह 35 क्वेश्चन है, ठीक है, 5 ज़्यादा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन इससे रिलेटेड। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा? आम। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। और भारत का राष्ट्रीय पशु का इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर C 3, बाघ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अपने पास, वनों के महत्व के कारण है। वनों के महत्व के कारण है, ऑप्शन पे आप ध्यान दीजिए, वनों के महत्व के कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्रीन गोल्ड। अब देखिए, ग्रीन गोल्ड आंसर क्यों है? क्योंकि ग्रीन गोल्ड का आप थोड़ा हिंदी मीनिंग कीजिए, ग्रीन मीन्स हरा और गोल्ड मतलब सोना, मतलब वृक्षों का अपन हरा सोना कहते हैं। क्यों? क्योंकि वन जितने भी आवश्यक सामग्रियां हैं अपन लोगों को, गोंद, शहद, फल फ्रूट, औषधि, लकड़ियाँ, ये सभी किसी से प्राप्त होती है? वन से। इसलिए क्या करते हैं हम इनको, क्या कहते हैं? ग्रीन गोल्ड कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भिंडी में पाया जाता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, भिंडी में पाया जाता है। अब ऑप्शन को आप देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर लेते चलो हम, इसका आंसर है सभी, ये सभी। तो भिंडी में जो क्या है, फास्फोरस भी पाया जाता है, प्रोटीन ए और विटामिन ए और विटामिन सी भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो भिंडी में क्या होगा? फास्फोरस, विटामिन ए और विटामिन सी क्या होंगे? प्रचुर मात्रा में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस फसल का आता है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो इसका आंसर अपन लोग ले लेते हैं, इसका आंसर नंबर होगा आम। इसका ऑप्शन होगा 3, आम। आम जो है भारत में फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र ग्रहण करता है, और इसके अंतर्गत सर्वाधिक आम उत्पादन करने में आएगा यूपी, और उसके बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। यूपी और उसके बाद आ जाएगा आंध्रा का नाम आ जाएगा आम के उत्पादन में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसके किससे कुनैन दवा प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन क्या है कि किससे कुनैन दवा प्राप्त की जाती है? 4 ऑप्शन है, चारों का आप ध्यान से देखिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिंकोना प्लांट, मतलब सिंकोना के वृक्ष से क्या होता है, कुनैन दवा प्राप्त की जाती है। और कुनैन दवा का उपचार, कुनैन दवा का प्रयोग जो होता है मलेरिया के उपचार में किया जाता है। तो कुनैन दवा किस वृक्ष से प्राप्त होगी? सिंकोना से। और इसका उपयोग कहाँ होता है कुनैन दवा का? तो मलेरिया के उपचार में कुनैन दवा का उपयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है आप लोग का 6 नंबर का, लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जिन्होंने अगर इनके पौधे वगैरह देखे होंगे तो उन्हें इसका आंसर अच्छे से पता होगा। क्वेश्चन देखिए, लौंग व केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए, जिन्हें पता है वो टिक करिए आराम से। देखिए, इसका सही आंसर होगा फूल। क्या होगा? फूल। जो फूल है, फूल में से क्या निकलता है? केसर और लौंग। देखिए, केसर, केसर क्या बहुत ही महंगा होता है, और ये भारत में इसका उत्पादन सिर्फ होता है जम्मू कश्मीर राज्य में। केसर का भारत में उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में। और लौंग जो है एक प्रकार का क्या है, मसाला। तो अपने यहाँ मसाले के लिए दक्षिण भारत में जो केरल है, केरल मसाले के प्रसिद्ध है। तो लौंग कहाँ पाया जाएगा सब सर्वाधिक? अपने पास केरल में। और केसर कहाँ होता है अपने यहाँ भारत देश में? तो जम्मू एंड कश्मीर में होता है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिए, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बाघ। क्योंकि तो बाघ जो है, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, भारत का राष्ट्रीय पशु है, यह उत्तराखंड का राज्य प्रतीक नहीं है। बाकी जो है मोनाल जो है वो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी, बुरांस, बुरांस जो है राजकीय वृक्ष, और कस्तूरी मृक्ष जो है वहाँ का राजकीय क्या है, पशु, ठीक है। तो उत्तराखंड का राष्ट्रपति कौन सा नहीं है? बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
बाढ़ में समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि, बाढ़ में समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि, ऑप्शन चारों का आप ध्यान से पढ़िए आराम से, बाढ़ में समुद्भित पौधे मर जाते हैं क्योंकि, तो इसका चलिए अपन लोग इसका आंसर ले लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सी, पौधों का कोशिका रस जो है सांद्र हो जाता है। पौधों का क्या है, कोशिका रस कैसा होता है, सांद्र हो जाता है, इसलिए क्या होता है, बाढ़ में समुद्भित पौधे मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 9। सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है, इसका आंसर लेते हैं अपन। तो सरीसृप के अंतर्गत क्या आएगा, कछुआ। सरीसृप के अंतर्गत क्या आएगा, कछुआ। और सरीसृप जो मतलब प्राणी जगत का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी पर सरक कर मतलब थोड़ा घिसर कर जो चलते हैं उनको कहते हैं सरीसृप। इसके अंदर क्या 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 जाएगा, आप तो देखा सांप, सांप भी थोड़ा सरक कर चलता है, छिपकली, मगरमच्छ, सब का एग्जाम्पल है, और कछुआ भी मिला के क्या एग्जाम्पल है, सरीसृप के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर 10। कांटेदार पत्तियों में को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधे के बारे में पढ़ा रहा है। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, कांटेदार पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। ऑप्शन ध्यान से देखिए आप लोग, है ना, ऑप्शन ध्यान से देखिए। तो इसका चलो अपन आंसर ले लेते हैं, इसका सही आंसर होगा मरुस्थली। अब देखिए मरुस्थली आंसर क्यों है, मरुस्थली इलाके में कांटेदार पत्तियों वाले पौधे पाए जाते हैं, ऐसा कुछ कारण होगा। इसका एक कारण यह है, मेन कारण इसका यह है कि जो कांटे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि जो पौधों में वैसे मरुस्थल स्थलों में वर्षा होती नहीं है, बहुत कम होती है, पूरा सूखा इलाका रहता है, वहाँ पानी की बहुत कमी होती है, जो तो जो भी जड़ों से पानी आता है पेड़ में मतलब ऊपर तक तनों वगैरह तक शाखाओं तक, तो होता क्या है, पेड़ उस पानी के वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए क्या करता है, कांटेदार रूप धारण कर लेता है। इसलिए क्या होती है, मरुस्थलीय इलाकों की जो पौधों की पत्तियां कैसी होती है, कांटेदार होती है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपने पास 11। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है, निम्न पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने सारे पौधे देखे हुए हैं, तो इसका सही आंसर होगा बरगद। बरगद क्या है, एक प्रकार का वृक्ष है, बाकी सारे क्या है, पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का राजकीय पशु कौन है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन है। तो देखिए राजस्थान एक रेगिस्तान वाला इलाका, वहां पर तो ऊँट अधिक ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहां का राजकीय पशु हो जाएगा ऊँट। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है, ऊँट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल, ऑप्शन को ध्यान से देखिए आप। तो चलिए इसका आंसर ले लेते हैं अपन लोग, इसका सही आंसर होगा सेकंड, इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर का, जट्रोफा। जट्रोफा देखिए एक प्रकार क्या है, पौधा है, इसको बायोडीजल से क्या तात्पर्य, मतलब क्या होगा कि इसलिए इसको बायोडीजल कहते हैं क्योंकि जो उसका जो बीज होगा, इस पादप से जो बीज प्राप्त होता है, इससे 25 से 30% तक अपन क्या करके तेल निकाल सकते हैं, और इस तेल का उपयोग जो होगा वाहनों, कार और मोटर गाड़ी चलाने में इसका यूज होता है, इसलिए क्या करते हैं, बायोडीजल फसल है जठरोपा, क्योंकि इसके बीजों से क्या होता है, तेल उत्पादित होता है, और इस तेल से क्या करते हैं अपन, कार वो वाहन वगैरह चला सकते हैं, इसलिए इसे बायोडीजल फसल कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का अपने पास क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल अध्ययन की विषय वस्तु है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। तो ऑप्शन आप चारों ध्यान से पढ़िए, तो इसका आंसर अपन लोग लेते हैं, सही आंसर होगा भोजन। भोजन जो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या है, पर्यावरण अध्ययन विषय की एक वस्तु है, क्या है, भोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों का किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, क्वेश्चन फिर से ध्यान से देखिए,
खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो देखिए इसका सही आंसर अपन लोग ले लेते हैं बी, आंवला, पालक और गुड़। सर्वाधिक जो है लौह तत्व क्या होगा? आंवले में, उसके बाद पालक और गुड़ में। तो इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। उसमें क्या होगा, लौह तत्व की प्रचुर मात्रा किस किस में होती है? आंवला, पालक और गुड़ में। क्या होती है? लौह तत्व की प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं अपन, 16वें नंबर का क्वेश्चन है अपने पास। खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिए आप लोग, खाद्य संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। तो आइए अपन इसका आंसर लेते हैं। इसका सही आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, दूध और पनीर। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, खाद्य संरक्षण से तात्पर्य क्या है? जो खाद्य पदार्थ है उनका संरक्षण, मतलब उनको लंबे समय तक संरक्षित रखना ही क्या है, खाद्य संरक्षण। अब देखिए दूध और पनीर, जो दूध से जब पनीर बनता है तो अपन पनीर को ज़्यादा समय तक संरक्षित नहीं कर सकते, इसलिए खाद्य संरक्षण के लिए क्या है, ये जोड़ा बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी सभी आप ऑप्शन देखिए, आलू से चिप्स बनाते हैं आपके पैकेट में घर पे आपके रहते हैं, सेब से जैम बनाते हैं तो आप उसको बहुत दिनों तक यूज़ करते हैं, और कच्चे आम से अचार रहता है, सालों साल अचार रहता है। इसे क्या है, दूध और पनीर जो है खाद्य संरक्षण के जोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि पनीर के अपन ज़्यादा समय तक संरक्षित नहीं रख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठा की गई निम्नलिखित सामग्री में से इन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। मतलब क्या हुआ, बच्चों ने सामग्री इकट्ठा करी सब्जी बाजार से और उसमें अपने को बताना है कि किनके भीतर बीज होते हैं। तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला व खीरा। इन सभी में क्या होते हैं, बीज। इन सभी में होते हैं बीज। और जो दो ऑप्शन बच गए अपने पास, प्याज और एक और कौन सा ऑप्शन बच गया है अपने पास, आलू। आलू और प्याज में क्या होते हैं, बीज नहीं होते हैं, बाकी सारों में क्या होते हैं, बीज होते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन अपन लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो क्या है, रीना के पास आम है और उसको क्या कर सकती है, गर्मियों में उसका आम है तो वो क्या जाड़े के लिए उसको संरक्षित करना चाहती है, तो वो कौन सा तरीका अपनाए कि उसका जो आम है वो संरक्षित रहे? तो ऑप्शन चारों ध्यान से पढ़िए आप लोग एक बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अचार और आम का पापड़ बनाना। क्योंकि अभी जैसे पहले अपन ने पढ़ा था कि खाद्य संरक्षण में क्या होता है, आम का अपन अचार बना सकते हैं तो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, पापड़ भी अपने घरों में बनती है, तो अपन ने देखी है कि आम से अचार बना लेते हैं और आम पापड़ बना लेते हैं तो क्या होंगे, लंबे समय तक संरक्षित रह सकती है, बाकी सारे ऑप्शन में संरक्षित नहीं रह सकती है। जूस तैयार करेंगे कुछ समय बाद, कुछ 24 घंटे बाद वो खराब हो जाएगा, प्लास्टिक थैले में नहीं रख सकते उसको, रखेंगे तो वापस से खराब हो जाएगा, और रेफ्रिजरेटर से वंचित करना, ये भी ऑप्शन सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अचार और आम पापड़ बनाकर क्या कर सकते हैं, रीना अपने आम को संरक्षित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं, मतलब खाना पकाने के तरीके और ढंग दिए हुए हैं। तो देखिए एक बार ऑप्शन देखिए आप लोग। तो चलो ये इसका आंसर ले लेते हैं। इसका सही आंसर होगा तीसरा, सेक कर, तल कर और भून कर। ठीक है, इसमें ये जो समूह है खाना पकाने के तरीके के अनुसार दिया गया है, सेक कर, तल कर और भून कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से भोजन बनाने का तरीका कौन सा अच्छा तरीका है? निम्न में से भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ये भी बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, घरेलू क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिए चारों ऑप्शन को, फिर अपन आंसर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को पहले अच्छे तरह से धोना और फिर उसे काटना। घरों में आप देखते हो सबसे पहले सब्जी धोते हो और फिर उसको काटते हो, तो यही सबसे अच्छा तरीका है, बाकी ऑप्शन बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन में तरीके तो सारे हैं, तरीके तो सभी है, लेकिन क्या है, सबसे अच्छा तरीका बोला उसने, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, सब्जी को पहले
सब्जियों को पहले अच्छी तरह धोना और फिर काटना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि, ठीक है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि। ऑप्शन देखिए, फिर अपन आंसर के बात करते हैं। तो इसका सही आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, कम ताप पर क्या है, रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए, जो रोगाणु रहते हैं, रोगाणु कीटाणु वगैरह जो रहते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पर ही उत्पन्न होते हैं और उसी पर वो सर्वाइव, मतलब जिंदा रहते हैं। तो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में तापमान कैसे होता है, कम, और फिर क्या होता है, रोगाणु क्या है, मर जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। विटामिन ऐसे पदार्थ है जो, ठीक है, कोई ऑप्शन ध्यान से देखिए आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। जो विटामिन्स और प्रोटीन खनिज वगैरह होते हैं हमको बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट वसा वगैरह हमको क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। तो विटामिन ऐसे पदार्थ है जो क्या होते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है किस वर्ग में पाया जाता है। तो चार ऑप्शन का आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सोचिए उसमें कि प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस वर्ग में पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर अपन लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन, चना और मक्का। सोयाबीन, चना और मक्का क्या है, इस वर्ग में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए, सोयाबीन लेते हैं अपन, सोयाबीन में जो है कम से कम 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में क्या है, 40 से 45% प्रोटीन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। तो अपना सही आंसर क्या होगा, प्रोटीन की प्रचुरता होगी सोयाबीन, चना और मक्का में प्रोटीन की प्रचुरता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। ऑप्शन देखिए आप लोग, थोड़ा सोचिए ऑप्शन के बारे में, फिर अपन सही आंसर लेते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चना। चना जो है रबी की फसल है। अब देखिए, रबी की फसल क्या होती है, रबी की फसल वे फसल होती है जो अक्टूबर नवंबर में, मतलब ठंडी के समय में जो फसलें बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है, रबी की फसलें। मतलब कब बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में। तो रबी की फसलों में मुख्यतः क्या हो जाएगी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और आलू क्या है, इत्यादि प्रमुख रबी की फसलें हैं। तो रबी की प्रमुख फसलें क्या कौन कौन सी हो जाएंगी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू इत्यादि प्रमुख है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है, चना क्या है जो है रबी की फसल है। और ये बोई कब जाती है, रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर में, मतलब शीत ऋतु में बोई जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वाशियोरकर नामक रोग खालिस्तान की कमी से होता है, क्वाशियोरकर नामक रोग खालिस्तान की कमी से। ऑप्शन पे आप एक बार विचार कीजिए, क्वाशियोरकर नामक रोग खालिस्तान विटामिन की खालिस्तान की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों के पास होगा प्रोटीन। क्वाशियोरकर नामक जो रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन नंबर 26। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, सोचिए थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में। तो चावल को पॉलिश करने पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4, थाइमिन जो है वो नष्ट हो जाता है। थाइमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, थाइमिन जो है विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से कौन कौन सा, बेरी 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 टू लिख दिया, मतलब बेरी बेरी रोग होता है किससे, विटामिन B1 की कमी से, और उसका रासायनिक नाम क्या है, थाइमिन है। और चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो थाइमिन नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 27। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन,
प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? ऑप्शन पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर लेते हैं अपन लोग, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है सोयाबीन। अभी जैसे अपने 2 क्वेश्चन पहले देखा था कि जो किस वर्ग में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है, तो अपने देखा था कौन सा वर्ग था, सोयाबीन, चना और मक्का। तो सोयाबीन में अपने बात की थी कितना, सोयाबीन में बात की थी अपने 40 से 45% क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन की सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है, सोयाबीन। इसमें कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 40 से 45% के बीच प्रोटीन पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए आप लोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, फिर सही आंसर लेते अपन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। देखिए रतौंधी जो है आंखों में होता है ये रोग, और कौन से विटामिन की कमी से हो रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा, रतौंधी रोग। अब देखिए विटामिन ए की यहाँ पे देख बात कर लेते हैं, मुख्य स्रोत क्या है विटामिन ए के, मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, मछली की यकृत का तेल, गाजर, टमाटर और मक्खन। अगर आप गाजर, टमाटर, मक्खन और मछली के जो तेल का अगर सेवन करते हैं, तो विटामिन ए क्या है आप में जो अगर कमी है, तो विटामिन ए आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, रतौंधी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। क्वेश्चन ध्यान फिर से दीजिए, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है, सोचिए थोड़ा सा आप लोग, फिर अपन आंसर लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है, घाव में जो है रक्त का बहना नहीं रुकता है। और विटामिन के अगर होगा अपने शरीर में पर्याप्त मात्रा में, क्या होता है, जहाँ से रक्त बहता, चोट लगती है वहाँ पर रक्त का थक्का जम जाता है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है। विटामिन के रासायनिक नाम की अपन बात कर ले, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा नेफ्थे क्विनोन। क्या हो जाएगा, नेफ्थे क्वी, और लिखने पे ध्यान ना दीजिए, बस सुन लीजिए, नेफ्थे क्विनोन। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नेफ्थे क्विनोन। और इससे क्या होता है कि अगर इसकी कमी हो जाए शरीर में, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे क्या होता है रक्त लगातार बहते रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, पिछले अभी इसके पहले अपन रबी की फसल की बात की थी, इस बार खरीफ की फसल की बात कर रहे हैं, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है खरीफ की फसल नहीं है, ये गेहूं जो है अभी अपन ने जिसके पहला गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू जो है ये क्या है, रबी की फसल है। जो गेहूं जो है वो रबी की फसल है। और जो और रबी की फसल अपने पड़ी थी कौन से माह में बोई जाती है, अक्टूबर, नवंबर, शीत ऋतु में बोई जाती है। तो अब हम बात कर रहे थे खरीफ की फसल की। तो देखिए खरीफ की फसल जो है मुख्यतः जून और जुलाई माह में बोई जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई माह में बोई जाती है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या जाएंगे खरीफ की फसलों के, 3 तो आपके ऑप्शन में दिए हैं, चावल, गन्ना, मक्का इत्यादि क्या है खरीफ की फसलों के उदाहरण। खरीफ की फसलें कब बोई जाती है, जून जुलाई माह में बोई जाती है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। अभी जस्ट दो एक ही क्वेश्चन पहले अपन के, अगर रक्त का थक्का बनने में सहायक कौन सा विटामिन है, विटामिन के। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनने में सहायक है, अभी जस्ट पढ़ा अपन ने। और इसका रासायनिक नाम क्या पढ़ा, नेफ्थे क्विनोन। नेफ्थे क्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा ले रहा है, तो वह क्या पढ़ाना चाह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है, तो क्या पढ़ाना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर जो है कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपन लोगों का क्वेश्चन नंबर 33, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है, आपको एकदम रट जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। और इसका रासायनिक नाम फिर बता रहा हूँ, नेफ्थे क्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना 34, रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए हैं, वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है, उसे किस तकनीक को अपनाने की जरूरत
है। तो क्या किया रमन को भैया उसके पड़ोसी ने क्या किया, 4 किलो आंवले दे दिए और उसको क्या कर मुरब्बा बनाना चाहता, तो कौन सी तकनीक अपनाए। तो इसका सही आंसर होगा अपने पास कौन सा होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिरक्षण। जो परिरक्षण तकनीक से क्या होगा वह मुरब्बा बना लेगा उसका। और परीक्षण से तात्पर्य क्या होता है पहले देखते हैं। परीक्षण से तात्पर्य होता है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने की क्रिया क्या कहलाती है, परिरक्षण। तो वह आंवला क्या कर लेगा मुरब्बा बनाकर उसकी परिरक्षण कर लेगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन लेते हैं अपन लोग। निम्न में से कौन सी खुराक में प्रोटीन आधिक्य में नहीं है, मतलब आधिक्य मतलब ज्यादा नहीं है, कौन सी खुराक में प्रोटीन ज्यादा नहीं है। तो थोड़ा ऑप्शन के बारे में आप लोग देखिए एक बार। इसका सही आंसर आप लोगों का शुद्ध घी। शुद्ध घी में क्या है प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, ध्यान दीजिए है ना, प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, शून्य होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा, किसमें, शुद्ध घी में। बाकी पनीर में भी होगा, दाल में भी और मांस में भी होता है। तो दाल देखिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है अपने पास अभी इन तीनों ऑप्शन में, दाल में। दाल में प्रोटीन होगा 20 से कम 35% के आसपास प्रोटीन जो है दालों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है अपन लोगों ने देखा था सोयाबीन में, कितना 40 से 45%। तो ठीक है आज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं, फिर अपन नेक्स्ट डे कल फिर देखेंगे अगले 30 क्वेश्चनों के साथ। और आप लोग इसको टेस्ट की तरह लीजिए करें, और जितने भी आप लोगों के नंबर आए हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, इससे आपको कंपटीशन का पता चलता रहेगा कि आपका कंपटीशन कैसा है, कितने लोग साथ हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपके नंबर कितने आ रहे हैं। और जो भी वीडियो में कमी रह जाए आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। जो भी कमी रह जाती है बोलने में लिखने में कुछ भी थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, हम भी इंसान हैं कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती है, तो जो भी भूल चूक हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद।